समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के साथ मीडिया से बात की। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, महिलाओं से बलात्कार उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी, लूट हत्या की घटनाएं प्रदेश में सामान्य सी घटना बनकर रह गई है। किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और हर वर्ग का उत्पीड़न भाजपा सरकार की नीति बन गया है। उन्होंने किसानों की दुर्दशा पर सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों की फसलों का उचित दाम देने में सरकार पूरी तरह विफल है। उन्होंने घोसी चुनाव की जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि 2024 का चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही से जूझ रही जनता और भाजपा के बीच होगा। चंद पूंजीपतियों की लूट से देश की जनता को बचाना है, भाजपा को सरकार से विदाई देनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी जाति वर्ग को सम्मान देना समाजवादी पार्टी की पहचान है और हर जाति वर्ग के कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी सम्मान देती है। उन्होंने इंडिया बनाम भारत पर बोलते हुए कहा कि भाजपा देश में भ्रम फैला रही है ताकि अन्य जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हैं उनको दबाया जा सके। इस दौरान मीडिया के कुछ सवालों का सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जवाब नहीं दिया। मीडिया कर्मियों के सवाल पर बात को टालते नजर आए। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा G20 पर कहा गया था कि ढाक के तीन पात और कहा था कि CM और PM संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस सवाल को जब मीडिया कर्मियों ने किया तो वो चुप्पी साध गए। समाजवादी पार्टी आगामी 2024 के चुनाव की तैयारी में है और हम अपने संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय इकाइयों तथा बूथ की इकाइयों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि मतदाता सूची में जो नाम छूट गए हैं, मतदाता सूची में जो नए नाम जुड़ने हैं वो काम करें और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। G20 को लेकर क्या कहा, जिस तरह G20 चला उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम इतना जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 साल से भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र में 9 साल हो गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में किसान डबल दुखी है, ज्यादा दुखी है और नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की फसल नहीं का मूल्य नहीं मिल रहा और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वादा करती है चुनाव में कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ किसी भी चीज का दाम कम नहीं कर रही है, वो दाम आसमान छू रहे हैं। तो महंगाई से आप सब लोग, हम सब लोग, इस प्रदेश की जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ बोलने में मस्त है। पिछले कई महीनों में खबरें सुर्खियों में रही राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में खटपट की दरार। कोई गठबंधन में खटपट नहीं है, जीता जागता उदाहरण अभी आपको मैं बता दूं कि अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ था जिसमें हमने रामजतन राजभर को और डॉक्टर रामकरण निर्मल को उतारा था। हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के माननीय विधायकगण हैं सभी लोगों ने एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया और समाजवादी पार्टी और भाजपा लोक दल में किसी तरीके की कोई खटपट। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया G20 को लेकर, उन्होंने बताया कि जो G20 है वो ढंग है, तीन पांच देश एक है, क्या कहेंगे? अब ये उन्हीं से थोड़ा पूछ लेना जो हमें जानकारी, हम अपनी बात बताते हैं। अच्छा, गठबंधन में सीटों की स्थिति कब तक स्पष्ट हो रही है? सीटों की स्थिति हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। जो तय कर लेंगे उत्तर प्रदेश में हम कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाएंगे और प्रयास करेंगे जो उन्होंने तय किया उसको हम अच्छर से उतारे। घोसी की जीत इंडिया की जीत है या सपा की जीत है? घोसी की जनता की जीत है। जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हुई है और वहाँ की जनता जीती है। जनता ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को विजय श्री दिलाई है। अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, PM और CM दोनों धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं ये बात आप उन्हीं से थोड़ा पूछ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत है और आप कभी कभी फोन भी उनको मिला के बात कर लिया करो। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का जीतने का टारगेट है? उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं लोकसभा की वो सभी जीतने का हमारा प्रयास है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।